हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि व्यूअर के कमेंट और फ़ोन आते रहते हैं कि 24 वोल्ट में कोई बहुत अच्छा इन्वर्टर का रिव्यू दीजिए, तो उसी कड़ी में आज सबसे पहले हम यह लुमिनस कंपनी का ऑप्टोमस 2300 मॉडल जो 24 वोल्ट में है, लोड कैपेसिटी 2000 VA और एक बहुत अच्छा इन्वर्टर है। कंपनी ने इस इन्वर्टर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो दूसरे इन्वर्टरों में नहीं हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिनका डिस्प्ले अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस इन्वर्टर को पूरा ओपन करके भी आपको दिखाएंगे, अंदर से इसकी सेटिंग और फिटिंग को भी देखेंगे कि क्वालिटी वाइज अंदर से इन्वर्टर कैसा है। कंपनी ने इसके अंदर जो फीचर डाले हैं, पहले उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और फिर उन फीचर को हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे। इसका जो एक बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन फीचर मुझे लगा, वह यह है कि इसकी आउटपुट वोल्ट और इसके चार्जिंग करंट एम्पियर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। यूजर इसके आउटपुट वोल्ट को 200 से 240 वोल्ट इन सेटिंग बटन के माध्यम से सेट कर सकता है और चार्जिंग एम्पियर को भी इन सेटिंग बटन के माध्यम से ही 8 एम्पियर से 21 एम्पियर तक यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकता है। 24 वोल्ट में यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अक्सर यूजर की शिकायत भी रहती है कि जो हमारे फैन होते हैं इंडक्शन फैन, वह इन्वर्टर पर हमिंग की आवाज़ करने लगते हैं, तो क्योंकि यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव है इसलिए हमिंग की शिकायत समाप्त हो जाती है। और जो फैन के स्पीड के कम ज़्यादा होने की शिकायत रहती है, तो यूजर अपनी ग्रिड सप्लाई के वोल्ट के अनुसार ही इसके आउटपुट वोल्ट को भी सेट कर सकता है, जिससे यूजर के फैन ग्रिड सप्लाई ऑन ऑफ होने के बाद फैन की स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा और बाकी घरेलू सेंसिटिव अप्लायंस भी स्मूथली वर्क करेंगे। कुछ जगहों पर कभी कभी क्या होता है कि ग्रिड सप्लाई के वोल्टेज बहुत डाउन हो जाते हैं और जब भी वोल्ट 150 वोल्ट से नीचे चले जाएंगे तो इन्वर्टर चार्जिंग करना बंद कर देते हैं, जिस कारण बैटरी की ग्रेविटी बहुत डीप चली जाती है और फिर उसको चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। यह इन्वर्टर 95 वोल्ट तक भी बैटरी को चार्ज कर सकता है और जब भी यूजर को फास्ट चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी चार्जिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। और इस इन्वर्टर के साथ 80Ah से लेकर 220Ah तक की बैटरी आप यूज कर सकते हैं। और इसके सभी फंक्शन अभी हम चेक भी करने वाले हैं, उससे पहले मैं इसकी बैक साइड में आपको दिखा देता हूं। जैसा कि यह दो लीड आप देख रहे हैं, यह बैटरी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लीड हो गई। मेन सप्लाई के लिए जैसे इन्वर्टर में फ्यूज दिया जाता है, तो इसमें यहां पर यह MCB दी गई है। यह 16 एम्पियर की MCB इसमें दी गई है मेन के लिए, और यह एक स्विच दिया हुआ है जिस पर लिखा है बाईपास और नॉर्मल। यदि कभी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाए और इन्वर्टर कार्य करना बंद कर दे, तो इस स्विच को हम बाईपास पर कर सकते हैं और उस समय यदि हमारा इन्वर्टर फॉल्टेड भी है तो बाईपास पर करने से घर में मेन ग्रिड सप्लाई डायरेक्ट चालू हो जाती है। यहाँ पर यह एक 4 पॉइंट की स्ट्रिप लगाई गई है। यह 2 पॉइंट मेन सप्लाई के लिए हैं और यह 2 पॉइंट आउटपुट सप्लाई के लिए हैं। कार्ड की हीट सिंक और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए अलग अलग 2 फैन इसमें दिए गए हैं। जैसा कि बाकी इन्वर्टर में DC का फ्यूज कार्ड पर ही लगाया जाता है, इसमें यह DC का फ्यूज लगाया गया है। तो यदि कभी किसी फॉल्ट के कारण या गलती से हमसे बैटरी के तार रिवर्स लग जाते हैं, उल्टे लग जाते हैं, यानी प्लस टर्मिनल पर माइनस लग जाए और बैटरी के माइनस टर्मिनल पर प्लस लग जाए, तो यह फ्यूज ओपन हो जाता है और इन्वर्टर अंदर से सेफ रहता है। यदि यह DC फ्यूज कभी ओपन हो जाता है, तो इस जंक्शन बॉक्स को आसानी से ओपन आप कर सकते हैं। 80 एम्पियर का यह एक तरीके का फ्यूज है, तांबे की यह पत्ती है। एक ऐसा ही फ्यूज कंपनी ने इन्वर्टर के साथ में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। दूसरा फ्यूज यहां लगाकर यह बोल्ट टाइट कर देने होते हैं और कैप को बंद कर देना होता है। डिस्प्ले पर जैसा कि इस समय ऑफ लिखा हुआ आ रहा है और यह बैटरी की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। स्विच को एक बार पुश करेंगे तो इन्वर्टर इस समय ऑन हो चुका है। यहाँ डिस्प्ले में 233 वोल्ट यह शो हो रहा है। इन्वर्टर में इसके फंक्शन को कैसे सेट किया जाएगा, पहले उसको ही समझ लेते हैं। इसके यह दोनों बटन एक साथ पुश करके रखना है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इको। इसमें इको और UPS के 2 फंक्शन हैं। यदि आप UPS सेट करना चाहें तो इस बटन को पुश करके रखना है। यहाँ UPS आ चुका है।
यूपीएस को सेट करने के लिए यहाँ से एंटर को पुश करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको यूपीएस लिखा हुआ दिखाई देने लगा होगा, इसका मतलब यूपीएस का फंक्शन सेट हो चुका है, क्योंकि हमें यूपीएस पर सेट नहीं रखना है। तो एक बार हम इसको फिर से प्रेस करेंगे, इको आ चुका है और इको को हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ इको लिखा हुआ आ चुका है। अगला फंक्शन सेट करने के लिए फिर से इनको पुश करना पड़ेगा। इको हमारा सेट हो चुका है, हमें अगला फंक्शन सेट करना है। तो यहाँ TUB यानी ट्यूबलर बैटरी, फ्लैट बैटरी, SMF बैटरी, जो भी आपको सेट करनी है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हमें ट्यूबलर बैटरी सेट करना है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आया है 230, यह इसकी आउटपुट वोल्ट है। यदि आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यदि कम करना चाहते हैं तो डाउन बटन को पुश करेंगे 220, और घटाना चाहते हैं 210, और कम करना चाहते हैं तो 200 वोल्ट यहाँ आ चुका है। तो इसको अप डाउन आप 200 से 240 वोल्ट तक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 220 वोल्ट करके छोड़ देता हूँ, 220 आ गया और एंटर कर देते हैं। तो इसकी आउटपुट वोल्ट यहाँ डिस्प्ले में आप देख रहे हैं तो 222 यानी 220 वोल्ट सेट हो चुकी है। फिर अगले फंक्शन के लिए दोनों पुश बटन कुछ देर के लिए पुश करके रखने पड़ेंगे। इको हमारा सेट हो चुका है, ट्यूबलर भी सेट हो चुका है, 220 वोल्ट हमारी सेट हो चुकी हैं और यह CH यानी चार्जिंग एम्पियर 18 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको यदि आप डाउन करना चाहते हैं तो 16 एम्पियर चार्जिंग रहेगी आपकी, और कम करना चाहते हैं 14 एम्पियर चार्जिंग रहेगी, और यदि बढ़ाना चाहते हैं तो अप बटन को पुश करते जाएंगे और एक बीक पर हटाते जाएंगे। यहाँ CH 20 एम्पियर लिखा हुआ आ चुका है, CH 21 एम्पियर यह मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है, और यदि यहीं पर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यह एंटर हो चुका है। और अब इसको मेन सप्लाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं। इन्वर्टर को हमने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है, 250 वोल्ट आप देख रहे हैं और 700 वाट का लोड इस समय यह दे रहा है, क्योंकि 21-22 एम्पियर चार्जिंग चल रही है और डिस्प्ले पर इस समय एक प्लग का यहाँ इंडिकेशन हमको दिखाई दे रहा है और बैटरी का चार्जिंग का इंडिकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार चार्जिंग कैपेसिटी को कम करके देखते हैं कि क्या यहाँ लोड कम होगा। यहाँ 21 एम्पियर सेट हो रहा है, इसको कम करते हैं। यहाँ पर हमने CH 11 सेट कर दिया है और इसको एंटर करते हैं तो चार्जिंग हमारी 11 एम्पियर सेट हो चुकी है और डिस्प्ले में इस समय आप लोड देख रहे हैं 387 वाट का लोड चल रहा है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक कट ऑफ बहुत बढ़ जाता है और हमको चार्जिंग फास्ट करनी होती है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस इन्वर्टर से फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। और यदि सर्दियों के मौसम में हमको बैटरी अधिक चार्ज नहीं करनी है तो हम इसको 8-10 एम्पियर पर भी करके छोड़ सकते हैं, जिससे ग्रिड पर लोड कम रहेगा, बैटरी स्मूथली चार्ज होंगी, बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों इसके यह वोल्ट कम ज़्यादा करने वाले और एम्पियर कम ज़्यादा करने वाला जो फीचर है यह मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।